सिक्स पैक गरीब का खाना। आलमपुर के गांव में लड्डू कहकर एक भिखारी रहता था। वो बहुत मोटा था। वो घर घर जाकर भीख मांगता था। माजी, थोड़ा खाना है तो खिलाइए माजी, आपको पुण्य मिलेगा माजी। बाबूजी, मालिक जी, थोड़ा खाना है तो खिलाइए जी। ऐसे में लोग उनका टोकरी में डाले खाने को वो खाकर मंदिर के पास जाकर सो जाता था। उस गांव में दो घर आमने सामने रहते थे। एक घर में एक लड़की और एक घर में एक मोटा सा लड़का उनके बालकनी में खड़े होकर हर रोज इशारा करते हुए फ्लाइंग किसेस देते हुए प्रेम का लोक में डूबा हुआ रहते थे। एक दिन उस रास्ते में से लड्डू जा रहा था, तभी उसी समय पर वो लड़की एक पेपर रॉकेट बनाकर सामने वाले घर में उस लड़की के ओर फेंकी। वो रॉकेट उस लड़की के बालकनी में जाते जाते उसका दिशा बदलकर लड्डू के सिर पर आकर गिरा। लड्डू उस रॉकेट को खोलकर देखा तो वो एक लव लेटर था। उसमें, हे डियर, तुम्हारा चेहरा फिल्म हीरो जैसा है, लेकिन तुम्हारा पेट तो कॉमेडियन की तरह है। आजकल तो बढ़ता ही जा रहा है। हमारा शादी होने तक उसे कम करके सिक्स पैक करो प्लीज, तुम्हारा लवर प्रिया, कहकर लिखा हुआ था। लड्डू सर ऊपर करके उस लड़की को देखकर बहुत खुश हो गया। अरे वाह, मेरी किस्मत फूटी, इतना सुंदर सी लड़की मुझे पसंद कर रही है। अब तक तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब सिक्स पैक करना ही है, सोचा। ऐसे उस दिन से हर रोज जॉगिंग करना। स्विमिंग करना, पेड़ों पर चढ़ना, वजन उठाना, ऐसे करते हुए कुछ ही दिनों में सिक्स पैक बनाया। उसका सिक्स पैक को देखकर बहुत खुश हो गया। अगले दिन वो एक घर में भीख मांगने के लिए गया। माजी, दान करो माजी, कुछ तो दीजिए माजी, आपको पुण्य मिलेगा, कहकर पुकारा। तो एक औरत थाली में खाना लेकर आई, उसे देखकर हैरान रह गई। लड्डू उस थाली में देखकर, क्या माजी, जब भी देखो दाल चावल देती हो, इसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। मैं आजकल केवल प्रोटीन ही ज्यादा खा रहा हूँ, जाकर अंडे या फिर चिकन है तो लेकर आइए, असल में मेरा तो सिक्स पैक है ना। कहा। तब वो औरत उसे पकड़कर खूब पिटाई करके, क्यों रे भिखारी कहीं का, तुम्हें खाने के लिए अंडा या चिकन चाहिए, देखने में तो गधे जैसे हो, कुछ तो काम कर सकते हो ना, बेवकूफ नालायक कहीं का, कहकर फिर से उसे मारी। ऐसे लड्डू उस लड़की के घर के ओर पैदल जाने लगा तो वो लड़की बालकनी में थी। वो लड़की उसे देख रही है सोचकर, अरे वाह, मेरा सिक्स पैक को देखकर वो ढंग हो गई है, शायद मेरे बिना वो नहीं रह सकती है, जल्दी ही हमारा शादी होकर बच्चे होंगे तो कितना अच्छा रहता है, सोचा। ऐसे लड्डू हर घर में जाकर अंडे और चिकन पूछने के वजह से वे लोग उसे मारने लगे। एक दिन उस लड़की का शादी हो रही है कहकर लड्डू को किसी ने बताया। तुरंत लड्डू दौड़ते हुए जाकर कल्याण मंडप में गया। उधर देखा तो उस लड़की ने प्यार किया लड़का के रिश्तेदार और लड़की के रिश्तेदार वाले के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था। दूल्हा, कितना हिम्मत है तुम्हें, मेरे पिता को ही डांटती हो, मैं तुम्हें शादी ही नहीं करूंगा, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होना है। तब प्रिया, ए तुम ईमानदार आदमी हो कहकर मैंने प्यार किया, इतना मोटा रहने से भी सुंदर है कि नहीं सोचे बिना तुम्हें चाहा, लेकिन तुमने पैसों के लिए प्यार करने का नाटक किया है कहकर पता चल गया है, तुम्हारे सामने ही और एक के साथ शादी करके ये प्रिया क्या कर सकती है, दिखाती हूँ, क्या उखाड़ सकोगे उखाड़ो, कहकर लड्डू को देखकर, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मुझसे शादी करोगे, पूछी।
तब लड्डू अचानक ऐसा प्यार, सच कहना है तो मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, तुम्हें शादी करने से और क्या भाग्य मिल सकता है। कहकर जो हुआ वो सब प्रिया से बताया। तब प्रिया, क्या मेरे लिए सिक्स पैक्स किए हो? मेरे लिए इतना मेहनत किए हो तो मेरे ऊपर तुम्हें कितना प्यार है ये पता चला। तुम मुझे मिलना मेरा सौभाग्य है, तुम मुझे अच्छे से देखभाल कर सकते हो कहकर मैं यकीन करती हूँ। ऐसे उन दोनों का धूमधाम से शादी हुआ। शादी के बाद लड्डू ससुर जी का व्यापार को देखते हुए बहुत खुशी से जीने लगा।